नमस्ते भाई बहनों, आप सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं आपको 12वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और आज 12वें अध्याय में है हड्डी द्वारा निर्मित ब्रज से वित्रासुर द्वारा, वित्रासुर का इंद्र द्वारा संहार। हड्डी द्वारा निर्मित वज्र से वित्रासुर का इंद्र द्वारा संहार करना। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पराब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमो। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ये सब ज्ञानपूर्ण बातें कहकर अति क्रोध करके वित्रासुर ने अपना त्रिशूल इंद्र पर चलाया। तब इंद्र ने अस्थियों से निमित्त वह वज्र इस प्रकार मारा कि दाहिनी भुजा अलग हो गई। तत्पश्चात वित्रासुर ने बाएं हाथ से परीघ नामक शस्त्र चलाकर इंद्र के हाथ से ब्रज गिरा दिया। जब इंद्र डर के कारण पृथ्वी से ब्रज न उठा सका तो वित्रासुर ने कहा, हे इंद्र, तू डर मत मुझसे, सूरवीरों की तरह युद्ध कर। तू डर नहीं मुझसे और सूरवीरों की तरह युद्ध कर। यदि मैंने तुझे मार दिया तो इंद्रपुरी का राज्य करूँगी। अन्यथा स्वर्ग का सुख प्राप्त करूंगा। अतः मैं मृत्यु से नहीं डरता हूँ, दोनों प्रकार से मैं प्रश्न हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। मारना या मरना मेरे या तेरे हाथ में नहीं है। ये तो श्री भगवान नारायण जी के हाथ में है। भगवान की इच्छा अनुसार समस्त जीवों के कार्य नट के खेल के समान है। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। अतः तू प्रश्न हो, ब्रज उठाकर मुझे मार। अतः तू खुश हो जा और ब्रज उठाकर मुझे मार। वित्रासुर कहते हैं इंद्रदेव को, जिससे मैं तुरंत श्री हरि के चरणों की शरण में पहुंच जाऊं। इंद्र ने यह सुनकर अति प्रश्न होकर कहा, हे वित्रासुर, तेरी बुद्धि को धन्य है। जब देवराज ने ऐसा कहते हुए उसकी बाएं भुजा को भी नष्ट कर डाला, तब तो वित्रासुर ने दौड़कर इंद्र को हाथी सहित निगल गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। परंतु नारायण कवच के प्रताप से इंद्र मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और ब्रज द्वारा उसका पेट फाड़ कर बाहर निकल आया। भगवत कृपा से इंद्र और हाथी को कुछ भी पीड़ा नहीं हुई। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। इंद्र और वित्रासुर में इसी प्रकार 100 वर्ष तक संग्राम होता रहा। तत्पश्चात इंद्र ने वित्रासुर का वध कर दिया। उस समय उसके शरीर से एक प्रकाश उत्तेज निकल कर भगवान के पास चला गया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। तब उसके मर जाने से अन्य देवता प्रसन्न हुए, परंतु देव राजेंद्र बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं हुए। बोलो कृष्ण भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान।